डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में आप सभी फ्रेंड का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएससी सेंटर शुरू करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है और सीएससी आईडी अप्लाई करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी आईडी रिजेक्ट ना हो और सक्सेसफुली हमें जल्दी से मिल जाए। क्या आप खुद का ऑनलाइन सेंटर शुरू करने की सोच रहे हैं? तो सीएससी सेंटर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आइए इस वीडियो में आगे हम देखते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर चालू करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको आपकी खुद की एक शॉप का होना जरूरी है, फिर लैपटॉप या कंप्यूटर और उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन का होना भी जरूरी है, साथ प्रिंटर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, और आप किसी भी गुनाह की प्रवृत्ति में शामिल नहीं है। ऐसा पुलिस वेरिफिकेशन का दाखिला भी जरूरी है। इतनी चीज वस्तुएं आपके पास है तो आप सफलतापूर्वक कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितनी होगी उतनी आमदनी हमारी बढ़ेगी। इसलिए तो किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनी ख्वाहिशें को पूरी करने वाला नौकरी करता है और दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करने वाला बिजनेस। तो मैंने ठीक कहा ना फ्रेंड्स? तो इसी बात पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सीएससी के लिए अप्लाई कैसे करें। तो मित्रों, सीएससी सेंटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें टीसी का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, जिसकी कीमत है 1480 रुपए, और उस टीसी सर्टिफिकेट के माध्यम से हमें सीएससी के लिए अप्लाई करना होगा। तो आगे के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप टीईसी सर्टिफिकेट लेना है और किस तरह सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करना है। हमारी बताई पद्धति से आप सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं तो 100% आपको सक्सेसफुली सेंटर के लिए अप्लाई होगा और सीएससी आईडी बिना रिजेक्शन के आपको जल्दी ही मिल जाएगी। वीडियो को स्किप ना करें और शांति से देखें, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से सारी बातें आपको बताई जाएगी, जिससे आपको सीएससी आईडी पाने में 100% सहायता मिलेगी। पहले टीईसी सर्टिफिकेट के लिए आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में register.cac.gov.in वेबसाइट को ओपन करें। उसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई का, उसमें जाए, फिर नीचे लास्ट में टीईसी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। अब वेबसाइट ओपन होके आपके सामने है। अब वेबसाइट के डैशबोर्ड में आपको राइट साइड में लॉगिन विद अस का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में सीएससी कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां लॉगिन और रजिस्टर का बटन होगा, तो आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें हमें हमारी डिटेल भरनी है। इस डिटेल को भरने के लिए हमें खास बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सारी डिटेल हमें आधार कार्ड के मुताबिक भरनी है। आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हो, जैसा स्पेलिंग हो, सेम टू सेम हमें नेम के बॉक्स में टाइप करना है। अब दूसरे नंबर के ऑप्शन में मोबाइल नंबर लिखना है, जिसमें हमें अपना रेगुलर मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तीसरे नंबर पर हमारी रेगुलर ईमेल आईडी दर्ज करनी है। चौथे नंबर के बॉक्स में हमें फादर का, मदर का या पति या पत्नी का नाम लिखना है। नीचे के ऑप्शन में हमें अपना स्टेट यानी कि राज्य सिलेक्ट करना है कि हम कौन से राज्य से है। उसके नीचे के ऑप्शन में अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सिलेक्ट करना है। एड्रेस के ऑप्शन में आधार कार्ड के मुताबिक एड्रेस दर्ज करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मेल या फीमेल यानी स्त्री या पुरुष हमारी जाति सिलेक्ट करनी है। उसके नीचे के ऑप्शन में हमें आधार कार्ड के प्रिंट की हुई वो जन्म तिथि यानी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है। बर्थ डेट हमें आधार कार्ड वाली ही लिखनी है, क्योंकि हम जब सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बर्थ डेट मैच होना जरूरी होता है। अब हम नीचे अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चूज फाइल में जाके अपलोड करना है, जिसकी साइज 50 KB से ऊपर ना हो। अगले स्टेप में बॉक्स में लिखे गए कैप्चा कोड को दाखिल करना है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में हमें 1489 रुपए पेमेंट करना है और वहां पर टीईसी आईडी भी आपको मिल जाएगा और मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा। यह पहला स्टेप आपका सफलतापूर्वक सफल रहा।
अब आपको CAC आईडी के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए आप फिर से register.cac.gov.in को ओपन करें। अब आए अप्लाई के मेनू में जाएं और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के पेज में आप सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में CAC वी हेली सिलेक्ट करें। नीचे के बॉक्स में TEC नंबर टाइप करें। अब नीचे के बॉक्स में रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करें। बॉक्स में दिया गया कैप्चा कोड दाखिल करें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट पेज में ईमेल, मोबाइल और नाम लिखा हुआ आएगा। अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर दाखिल करना है। नीचे अपना जेंडर मेल या फीमेल सिलेक्ट करें। फिर नीचे अपना स्टेट और जिला सिलेक्ट करें। नीचे लोकेशन में गांव का आईडी बना रहे हैं तो रूरल सिलेक्ट करें और शहर का आईडी बना रहे हैं तो अर्बन सिलेक्ट करें। नीचे ऑथेंटिकेशन टाइप में टी ऑप्शन दिए गए हैं। पहला OTP के माध्यम से, दूसरा फिंगरप्रिंट का माध्यम से, तीसरा आंखों के डिवाइस से। आपके पास जो सुविधा है उसे यूज करें और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दाखिल करें और चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप OTP के माध्यम से कर रहे हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने होगी, जिसमें आप मोबाइल और ईमेल दोनों में OTP ले सकते हैं। पर ध्यान रखें, अगर आपके आधार में ईमेल नहीं दिया तो ईमेल में टिक ना करें, सिर्फ मोबाइल सिलेक्ट करके जनरेट OTP सिलेक्ट करें। अब आपने जो सिलेक्ट किया है उस पर OTP लाएगा। आप OTP सिलेक्ट करके वैलिडेट OTP पर क्लिक कर दे। नेक्स्ट पेज में CSC VLE रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने होगा, जिसमें आपका ईमेल, मोबाइल और TEC नंबर वेरीफाई हुआ दिखेगा। अब नीचे एप्लीकेंट फोटो में आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, जिसकी साइज 20 KB से ज्यादा ना हो। उस नेम में अपने शॉप का नाम लिखें, नीचे स्ट्रीट में अपने एरिया का नाम लिखें। अब नीचे अपना स्टेट सिलेक्ट करें और साइड में अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सिलेक्ट करें। जिला सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिसे हम तालुका कहते हैं। तालुका का सिलेक्ट करने के बाद अपने गाँव की ग्राम पंचायत सिलेक्ट करें। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद साइड में विलेज लिखा हुआ है, वहां अपना विलेज सिलेक्ट करें। अब नीचे अपने विलेज का पिन कोड दर्ज करें। साइड में पोस्ट ऑफिस के ऑप्शन में आपके विलेज की पोस्ट ऑफिस का नाम लिखें। पोस्ट ऑफिस के बाजू के ऑप्शन में पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। आपको आपके विलेज का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम लिखना है। अब आपको नीचे के ऑप्शन में पॉइंट ऑन मैप पर क्लिक करना है। पॉइंट ऑफ मैप करने के बाद नीचे आपको वर्ल्ड का मैप दिखाई देगा। अब आपको प्लस के चिन्ह से इंडिया के मैप में आना है व अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके अपने विलेज के मैप पर आना है और हमारा सेंटर कहाँ है वहाँ पॉइंट रखना है। मैप में सही पॉइंट नहीं मिल रहा तो अपने विलेज में कहीं भी पॉइंट रख सकते हैं। विलेज के ऊपर पॉइंट सही न रखने पर आपकी CSC एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर आपको अपना विलेज ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप गूगल मैप में अपना विलेज ढूंढे और उसी नक्शे के मुताबिक CSC के इस मैप में सही पॉइंट रखें। अब नेक्स्ट पेज में आपको अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करना है, जिसमें हमें खुद का पैन कार्ड है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है और पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है। साइड में वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही पैन कार्ड और आधार कार्ड का नाम मैच होगा और नीचे कितना मैच होता है उसका परसेंटेज भी दिखाएगा। अब हमें नीचे दी गई बैंकिंग डिटेल्स को फिल करना है। अब नीचे दिए गए अकाउंट टाइप में सिलेक्ट करना है कि हमारा अकाउंट सेविंग है या करंट। बाद में अकाउंट होल्डर नेम में चेक बुक या पासबुक में जो नेम है सेम वही नेम टाइप करना है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में हमारी जो बैंक है उसका IFSC कोड हमें दर्ज करना है। IFSC कोड सर्च करने के बाद आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है, कौन सी ब्रांच में है वह नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हमें बैंक का अकाउंट नंबर टाइप करना है और साइड में कैंसिल चेक या पासबुक का फोटो अपलोड करना है। चेक या पासबुक का फोटो 80 KB से ऊपर ना हो ये ध्यान रखना है। CSC आईडी रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण बैंक डिटेल रॉन का है, मतलब हम जो चेक अपलोड कर रहे हैं या पासबुक अपलोड कर रहे हैं उसमें हमारा नाम, बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सभी चीजें होनी चाहिए और फोटो एकदम क्लीन अपलोड करनी है। ये कर लिया
तो 100% आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। बैंक डिटेल भरने के बाद नीचे के ऑप्शन केवाईसी डॉक्यूमेंट में हमें अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड के आगे और पीछे के पेज को जोड़कर अपलोड करना है और क्लियर फोटो अपलोड करना है, नहीं तो यहाँ भी रिजेक्शन का कारण हो सकता है। अब सारी डिटेल वीडियो में बताए हुए तरीकों से भरी हुई है, तो एक बार जरूर देख ले। अगर सारी डिटेल सही है तो नीचे डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक मार्क करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपके सामने रेफरेंस नंबर का एक पेज आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी और उसी रेफरेंस नंबर के आधार पर आप अपनी CSE ID एप्लीकेशन का स्टेटस भी जान सकते हैं। इस तरह इस वीडियो में कहां कहां कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो आपने सही तरफ से नोटिस किया है, तो 100% आपकी ID कभी भी चेक नहीं होगी। तो इसी प्रकार के CSE के ऑफिशियल वीडियो पाने के लिए हमारी डिजिटल सेवा गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।